महीनों पहले पश्चिमी बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ गरीब पुलिस अधिकारियों पर एसबीआई के छापेमारी से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। ठीक इसी तरह की घटना अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली है, जब रविवार के सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के कुछ सहयोगियों पर इनकम टैक्स ने छापा मार दिया। माना जा रहा है कि ये छापा चुनावी सरगर्मियों को देखते हुए किया गया है। आयकर अफसरों ने इस छापेमारी को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। प्लानिंग के तहत 15 अफसरों की टीम ने रात के 3 बजे कमलनाथ के करीबी कक्कड़ के आवास पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान आयकर अफसरों ने 10 से 14 करोड़ की नकदी बरामद कर जब्त कर लिया। अफसरों का कहना था कि इन नकदी पैसों को दिल्ली और मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल कैंपेन की फीडिंग करने और मतदाताओं को रिश्वत देने जैसे चुनावी प्रलोभन में इस्तेमाल किया जाना था। आयकर टीम को छापेमारी के दौरान नकदी के अलावा महंगी शराब की बोतलें और कुछ हथियार भी मिले। इस छापेमारी पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और साथ ही एक फोटो भी शेयर किया, जिसमें नोटों की गड्डियों से भरे 2 बक्से नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि इससे ये साफ हो गया कि चोरों को चौकीदार से शिकायत है। खबर अपडेट की रिपोर्ट।